भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 4 रनों से मात दे दी और यह टी20 श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय टीम को मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 208 रनों तक ही पहुंच पाई। भारतीय टीम की तरफ से आखिर में दिनेश कार्तिक और कृणाल पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके इस मैच को इतना ज्यादा जीत के नजदीक ला पाए, वरना भारतीय टीम बड़े अंतर से भी यह मैच हार सकती थी। इस मैच का आखिरी ओवर बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा। इस ओवर की 6 गेंदों में से ज्यादातर गेंदें दिनेश कार्तिक ने ही खेली, लेकिन दिनेश कार्तिक से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे कृणाल पांड्या को दिनेश कार्तिक ने स्ट्राइक पर आने ही नहीं दिया और खुद पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और यह ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय टीम को महंगा पड़ा। भारतीय पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शॉट खेला, लेकिन इस गेंद पर दिनेश कार्तिक ने रन लेने से सीधे ही इनकार कर दिया और कृणाल पांड्या को स्ट्राइक पर आने से रोका। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक से ज्यादा स्ट्राइक रेट उस समय कृणाल पांड्या का था। दिनेश कार्तिक के इस डिसीजन पर कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दिए। उन्होंने इस चीज को ही हार की असली वजह बताया। उस पर कृणाल पांड्या ने बात करते हुए कहा कि आखिरी ओवर छोड़ दे तो हमने और हमारी टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवर में स्ट्राइक न मिलने की वजह से मैं बड़े शॉट नहीं खेल पाया और भारतीय टीम को जीत नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कृणाल पांड्या को आखिरी ओवर में ज्यादा गेंदें मिलती तो वे भारतीय टीम को जीत दिलाने में सफल रहते? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें।